तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं आपके साथ पावर बीआई के बारे में। जी हाँ, पावर बीआई में हम फंक्शन से डिस्कस कर रहे थे डैक फंक्शन में, और डैक फंक्शन में हम बात करेंगे नेस्टेड इफ का, क्योंकि इफ एंड और तीन जो नॉर्मल फॉर्मूले थे वो हम आपको करा चुके थे। बट हम बात करते हैं डैक में नेस्टेड इफ के। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और ये हमारा पावर बीआई का है, और मैंने यहाँ सबसे पहले तो डेटा चाहिए, तो डेटा इंपोर्ट करने की जगह पे मैंने एंटर डेटा पे क्लिक किया और एक्सेल फाइल से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे लोड कर दिया। अब मेरे सामने आपके यहाँ दिख रहा है आपको डेटा। मान लीजिए मुझे इसमें नेस्टेड इफ का मतलब हुआ कई सारे कंडीशंस को लगाना, कई सारे कंडीशंस को लगाना। तो एक सिंपल से एग्जांपल मैं देता हूँ कि क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 80 और लेस ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80 है तो 500 इंसेंटिव आ जाए। सिंपल सा एक सिंपल लगाना चाहता हूँ मैं। तो मैंने न्यू कॉलम पे क्लिक किया और कॉलम नेम मैंने सबसे पहले INC कर देता हूं, और यहां हम देते हैं इफ इफ, और इसमें करते हैं QTI क्वांटिटी इज। इसमें दो चीजें, एक तो हम एंड भी लगा सकते हैं इसमें कि एंड एंड में QTI क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कॉमा अगेन QTI quantity is less than equal to 80, तो यहाँ पे 500 हो या 0 हो, जो कि हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया था एंड की मदद से हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। बट हमें एंड एंड नहीं चाहिए, हमें इसको नेस्टेड इफ से करना है, क्योंकि अगर 50 से छोटा हुआ तो कुछ और देना है, 80 से बड़ा हुआ तो कुछ और देना है, 50 और 80 के बीच में कुछ और देना है। तो मल्टीपल, क्योंकि एंड और जो होता है मल्टीपल कंडीशन बट सिंगल रिजल्ट के लिए होता है। जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस एंड मल्टीपल रिजल्ट्स हो तो उस केस में हम नेस्टेड इफ का ही इस्तेमाल कर पाएंगे, एंड और का नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ दिया इफ, हमने बोला क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, फिर कॉमा एक और इफ यहाँ दे रहा हूं कि क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 80, ऐसा हो तो यहां पे 500 हो, अदरवाइज यहां पे 100 हो। तो एक ही खत्म हुआ, और यहां पे दूसरा के लिए हमने बोला कि ये 50 हो। अब यहां पे देखिए कंडीशन, ए इफ चलेगा अगर कंडीशन फुलफिल हुआ तो दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, अगर फुलफिल नहीं हुआ मतलब कि 50 से बड़ा नहीं है, छोटा है, सीधे वो 50 को रिटर्न कर देगा। और दूसरा इफ चेक करेगा अगर गेट लेस देन 80 हुआ तो 500 देगा, अदरवाइज 100 को रिटर्न कर देगा। आया समझ में इम्तियाज जी और योगेश जी, अजय जी सॉरी, कोई डाउट इसमें? सर कोई डाउट है इसमें? नहीं सर, इस तरह यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं स्लैब की, स्लैब मतलब कि मेरे पास यहाँ स्लैब है कि 0 to 40 हुआ तो हमें देना है 500, ठीक है। 41 to 80 है तो हमें देना है 1000, अगर 81 to 100 है
तो देना है 2000। अगर ग्रेटर देन 100 है तो देना है 5000। ठीक है सर, इस स्लाइड है तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ध्यान से दीजिएगा क्योंकि इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी देने वाला हूं आप लोगों को मैं। तो यहां पे INC 2 करते हैं और यहां पे इक्वल हम करते हैं इफ क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 40 तो 500। अगेन इफ क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 80 तो 1000। देन इफ क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 100 तो यहां पे 2000। देन इफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू 100 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 5000। अब इसमें ब्रैकेट क्या क्लोज करना नेसेसरी है, मान लीजिए मैं मार दिया तो सॉरी यहाँ यहाँ हमने क्वांटिटी नहीं किया है क्लास क्यू टी वाई क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 100 तो 5000। कॉलम का नाम भी बदलना पड़ेगा, INC 2 है तो यहाँ पे 3 कर देता हूँ। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज लास्ट में करना जरूरी नहीं है, ब्रैकेट क्लोज ऑटोमेटिक हो जाता है, समझे। हेलो, ठीक है सर, क्लियर तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम एक काम और करते हैं, अब हमें यहाँ पे स्लैब इंसेंटिव निकालते हैं। स्लैब इंसेंटिव समझते क्या होता है, अभी तो फिक्स है ना हमारा, लेकिन अब जो है मेरा इंसेंटिव वो एक आता है कि जीरो से लेके अगर 40 सेल करते हैं तो हम आपको 20 रुपीज पर यूनिट मतलब पर पीस का चार्ज हम आपको देंगे। अगर आप 41 से लेके अगर 100 सेल करते हैं, तीन ही रखता हूँ ज़्यादा नहीं करता हूँ मैं, तो आप जो है आपको जो है 50 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा। और ग्रेटर देन अगर 100 आप करते हैं तो क्या होगा, आपको 150 के हिसाब से मिलेगा। मतलब किसी ने अगर 35 सेल किया तो क्या होगा, 35 × 20। अगर किसी ने 65 सेल किया तो क्या होगा, तो 40 × 20 + 25 × 50। अब समझ में आया आपको कि नहीं सर, अगर 65 सेल कर रहा है तो 40 वो पहले स्लैब के अकॉर्डिंग कर रहा है और 25 जो है इस स्लैब के अकॉर्डिंग कर रहा है। तो इस तरह से इंसेंटिव इनकम टैक्स में कैसे होता है, उस तरह की कैलकुलेशन। समझ में आया सर आपको क्या करना है इसमें, इम्तियाज जी, अंकित जी, समझ में आया सर। तो इंसेंटिव थर्ड में हम आते हैं और यहां पे देते हैं कि इफ क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 40 तो सिंपल सा क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 20 कर दीजिए, राइट। देन इफ क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 100 तो
40 मल्टीप्लाई बाय टी, मतलब कि 800 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय माइनस बाय 40 एंड मल्टीप्लाई बाय 50। ये समझ में आया आपको कि नहीं सर? देखिए यहाँ देखिए क्या होगा कि अगर वो मान लीजिए 100 वाले स्लैब दूसरे स्लैब में आता है, तो 800 हम पहले स्लैब के दे दिया, अगर हम 40 दे चुके हैं तो जो बचेगा, तो 40 बचेगा कैसे पता चलेगा? कि क्वांटिटी में से हम 40 माइनस करेंगे, जो बचा उसको हम 50 के हिसाब से दे देंगे। उसके बाद फिर अगेन हम इफ लगाएंगे, इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 100 तो हम क्या करेंगे, 800 तो देंगे ही देंगे, उसके बाद इससे 60 मल्टीप्लाई बाय 50 तो 3000 देना ही देना है, प्लस हम यहां पे क्वांटिटी माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 150 करेंगे। नया सर आपको? अब एंटर करता हूं मैं, उसे INC3 ले लिया, INC4 करना चाहिए ना। ओके, ये एरर आया है, हमने कहीं पे कुछ गलती किया है। तो टेबल हमने, ओ सॉरी, यहाँ पे हमने कॉमा दे दिया, आई थिंक ए कॉमा नहीं होना चाहिए, और इक्वल 50 नहीं, लेस देन इक्वल टू 50 होना चाहिए, यही गड़बड़ हुआ है लग रहा है। अब आया रिजल्ट सर, तो समझ में आ गया सर आपको? किसी को डाउट? नहीं है? तो चलिए अब आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसको पावर बीआई पे करना है। आपको कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको पावर बीआई के ऊपर करना है। क्या क्वेश्चन है देखिए, पहले कुछ क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन एक्सेल में है, आप उस डेटा को पावर बीआई पे कॉपी कर लीजिएगा और फिर इसका यूज कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 60 तो यहां पे कमीशन होना चाहिए क्वांटिटी इज मल्टीप्लाई बाय 40, और इसको इफ से भी करना है, विदाउट इफ भी करना है। अब विदाउट इफ कैसे करेंगे सोच लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू, अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 40 है तो पास, अदरवाइज फेल। क्वेश्चन नंबर थ्री, अगर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 200 सिटी, अदरवाइज लोकल। क्वेश्चन नंबर फोर, अगर टैक्स, अगर एमआरपी इज ग्रेटर देन 500 तो 12% का टैक्स, अदरवाइज 5% का टैक्स। अगर ड्यूटी 10 बजे से ऊपर की है तो ओटी आएगा, अदरवाइज एनटी आएगा। यहाँ पे हर सब्जेक्ट अगर ग्रेटर, हर सब्जेक्ट का रिजल्ट अगर 33 से ज्यादा है तो पास, अदरवाइज फेल। इसको एंड से भी करना है और विदाउट एंड, मतलब कि आपको एंड लगा भी करना है और एक नेस्टेड इसकी मदद से भी करना है। क्वेश्चन नंबर सेवन, यहाँ पे आपको ग्रेडिंग देना है इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर एट, आपको इंसेंटिव देना है इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर नाइन, मेरे पास ए है, मतलब आईडी प्रूफ का दिया हुआ कॉलम कि पैन, वोटर, पासपोर्ट एंड डीएन। तो पैन होना ही चाहिए, इसके अलावा इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर टेन, यहाँ जो स्लैब इंसेंटिव दिया है ना सर, वही इंसेंटिव कैलकुलेट करना है, बट इस स्लैब के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ देखिए क्या है, ये बेसिकली क्या है कि हमें इस पे इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है। तो कंडीशन क्या है कि रेट हमारा 70% ईयरली है, फ्लोर लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, बुकिंग ये आपका जो
बुकिंग जो है वो लेस देन 10% ऑफ द एमआरपी होनी चाहिए, और डेट जो है, डेट का जो डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस ऑफ मंथ जो है डेट टू नाउ 20 मंथ से ज्यादा होना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल एमआरपी ऑफ द 10% माइनस बुकिंग अमाउंट, रेट इज 70% ईयरली, और टाइम इज द टूडे माइनस डेट माइनस 20 मंथ, ठीक है। इसमें आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, हालांकि मैंने एक्सेल के फॉर्मूला रहने दिया था कि आप समझ सके। ए फाइल में आप लोगों को भेज रहा हूं, अब आप लोग मुझे स्पेस पावर बीआई पे सॉल्व करें और मुझे पावर बीआई का भेजिए स्क्रीनशॉट, या फॉर्मूला भेजिए या स्क्रीनशॉट भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरी एक क्वेरी और थी सर पावर बीआई में, बताइए सर। जैसे अपन ने डेटा लोड कर लिया पावर बीआई में, अब एक्सेल शीट पे मैंने कोई कॉलम लास्ट में ऐड कर दिया एक्सेल शीट पे, तो सर वो कैसे अपडेट होगा इसमें पावर बीआई में? एक्चुअली मैंने ट्राई किया था, रिफ्रेश कीजिए, अपडेट हो जाएगा। नहीं हो पा रहा था सर, वो ब्लैंक आ रहा था, मतलब उसका नाम तो आ गया था बट वो ब्लैंक आ रहा था सर। नहीं बताइए ना सर उसका। देखिए आपके पास सामने डेटा है हमारा डेटा शीट में, मैं इसका एक काम करता हूँ ओपन, और इसका हम कॉपी पास कर लेता हूँ। शीट नंबर 1 है, चलिए होम में आया, फॉर्म एक्सेल हमने इसको पेस्ट कर दिया, मेरा लोड हो रहा है। शीट 1 ले लिए, ये डेटा है सर, और इसको लोड कर दिया। यहाँ पे आ गया शीट 1 सर, ये अमाउंट तक का कॉलम है। अब मैं एक जीएसटी का कॉलम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, अपने डेटा में जीएसटी, और हमने यहाँ पे कर दिया अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 18%, और इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ, ठीक है। नॉट रिस्पॉन्डिंग, सेव हो गया। अब पावर बीआई पे आता हूँ और हम होम पे आते हैं और यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं। कहाँ ब्लैंक आया सर? इसमें टेक्स्ट भी आ सकता है ना, ऐसा थोड़ी ना कुछ कैलकुलेशन ही आएगी, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मतलब थोड़ी का डेटा एक्सेल के में डेटा क्या है, एनीथिंग। ठीक है सर, ट्राई करते हैं। ठीक है, ओके मेल भेज देता हूं। आप मेल आईडी कंफर्म कीजिए, इम्तियाज जी आपकी मेल आईडी क्या है? आइए इम्तियाज जी, हेलो इम्तियाज जी, तो आवाज नहीं आ रही इनको। चलिए अंकित जी आपकी ईमेल आईडी को बताइए तो क्या है? ANKIT अंकित गर्ग। हाँ सर। अजय जी, सर अजय, ये सर जो जो पहले आ रहा हूँ, अजय डॉट चौहान जी। इम्तियाज जी आपकी क्या है सर? अब देखिए, हेलो इम्तियाज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? म्यूट है, अनम्यूट कीजिए अपने आपको, नहीं आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही इम्तियाज जी। हेलो, चैट कीजिए, चैट कीजिए।
सहमाई खान चलिए मैंने भेज दिया है, मुझे करके फटाफट भेजिए आप लोग। ओके मिलते हैं कल, लेकिन मुझे फाइल अभी चाहिए।